गुड मॉर्निंग सिस्लास, दिस इज सेकंड चैप्टर ऑफ योर वीडियो, दिस इज सेकंड वीडियो ऑफ योर चैप्टर नंबर टू. ठीक है, चैप्टर नंबर, वीडियो नंबर वन हम फिनिश कर चुके हैं. ठीक है, सेकंड वीडियो इज अबाउट इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी इनइक्वालिटी, किसी को इक्वल नहीं समझना, और भेदभाव जो मैंने आपको बताया था वही. द फाउंडर्स ऑफ ऑल द मेजर रिलीजन हैज टॉट दैट ऑल मैन आर इक्वल सिंस ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड. यानी हमारे रिलीजन, धर्मों का जो फाउंडर है, जिसने ये धर्म सारे निकाले हैं, यानी भगवान, उसने हमें हमेशा क्या सिखाया कि सारे लोग बराबर हैं क्योंकि सारे ही भगवान के बच्चे हैं. बट द फैक्ट इज दैट देयर हैज ऑलवेज बीन इनइक्वालिटी अमंग मेन. मगर हमेशा से फैक्ट क्या रहा है कि हमेशा मेन जो है वो इनइक्वल रहे, कभी भी इक्वल नहीं रहे. वी नो दैट मेन आर नॉट इक्वल इन नेचर इंडोर्समेंट. ठीक है, नेचुरली ही जो है मेन कभी इक्वल नहीं होते. कोई टॉल होता है, कोई शॉर्ट होता है. ठीक है, फिजिकली कोई स्ट्रांग होता है तो कोई नहीं होता. दीज इनइक्वालिटीज आर कॉज बाय ज्योग्राफिकल क्लाइमेट, हेरिडिटी एंड अदर नेचुरल फैक्टर्स ओवर विच मैन हैज लिटिल और नो कंट्रोल. मगर ये सब किस चीज की वजह से होता है? ऐसे फैक्टर्स की वजह से जिसपे इंसान का खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता. द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी देयरफॉर डज नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल डिफरेंस अमंग मैन. और इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी कभी भी डिनाई नहीं करती कि एक नेचुरल जो है, एक नेचुरल चीज भी है जो नेचुरली ही लोगों को अलग बनाता है, बाकी इंसानों में कोई फर्क नहीं है. देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज विच आर नॉट एंटायरली नेचुरल. कुछ अदर फैक्टर्स भी इक्वालिटी के जो नेचुरल नहीं है. बोथ आर द रिजल्ट पार्शली ऑफ द फैक्टर्स विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड और चेंज. मगर फैक्टर्स यही है कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये चेंज नहीं किया जा सकता. इन अनइक्वल कम्युनिटी सम कास्ट आर ट्रीटेड एज हायर और पुअर. जैसे कास्ट को कभी हायर और पुअर ट्रीट किया जाता है समाज में. ठीक है, मेंबर्स ऑफ दीज कास्ट हैव एंटाइटल्ड टू राइट्स एंड प्रिविलेज फ्रॉम विच द मेंबर्स ऑफ सो कॉल्ड लोअर कास्ट आर डिबेयर्ड. क्या होता है कि जो अपर कास्ट होती है उनके पास प्रिविलेजेस होती हैं. ठीक है, अलग अलग उनके पास सुविधा होती है, उनको आने जाने को होता है, मंदिर में कोई रोक टोक नहीं होती. जबकि लोअर कास्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है कि आप मंदिर नहीं जा सकते. ठीक है, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते. तो ये सब जो है इंडिया में क्या है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है. इन इंडिया फॉर इंस्टेंस दिस काइंड ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन हैज बीन प्रैक्टिस अगेंस्ट बैकवर्ड कास्ट पीपल ऑफ सेंचुरीज. ठीक है, तो ऐसी प्रैक्टिसेस की जाती हैं लोअर कास्ट के लोगों के साथ इंडिया में. ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, अब किसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, द फैक्ट रिमेन इन द इंडियन सोसाइटी दैट द लीगेसी ऑफ द कास्ट सिस्टम इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग. कई अभी भी कॉन्टिन्यू होती है, अभी भी कई जगह प्रैक्टिस होती है. हेयर द लिंक विद द पास्ट हैज नॉट येट बीन टोटली ब्रोकन. अभी भी पूरी तरीके से तोड़ा नहीं गया इन सब चीज़ों को. दिस इज वेरी सैड फीचर ऑफ आर नेशनलिज्म, बहुत ही ज्यादा सैड फीचर है. रेफरेंस टू द ग्रुपिंग ऑफ द क्लासेस फर्स्ट अपीयर्ड इन द ऋग्वेदा. ये सबसे पहले ऋग्वेदा में आया था. कास्ट बिकम विद द फर्स्ट डिवीजन बिटवीन आर्यस एंड द्रविडियंस. ठीक है, सबसे पहले कास्ट ने ही डिवाइड किया था आर्यस को और द्रविडियंस को. एंड देन न्यू कास्ट टुक फॉर्म ऑन द डिवीजन ऑफ द फंक्शन एंड स्पेशलाइजेशन. और अलग अलग कास्ट ने जन्म लिया अपने अपने फंक्शंस या स्पेशलाइजेशन में, यानी वो क्या करते थे. एज वी नो इन एंशियंट इंडिया सोसाइटी डिवाइडेड इनटू फोर मेन सोशल कास्ट. चार मेन सोशल कास्ट थी. प्रीस्टी कास्ट यानी पुजारियों वाली ब्राह्मण, रूलिंग कास्ट क्षत्रिय जो रूल करती थी, मर्चेंट की क्या थी वैश्या, और लेबर की क्या थी शूद्र. जनरली दीज डिस्टिंक्ट बिकम रिजिड एंड हेरिडिटी. और ग्रेजुअली क्या हुआ, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता गया कि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रिजिड, यानी हिलाई न जाने वाली, और खून में आने लग गई लोगों को. ये उनकी मान्यता हो गई कि अरे ये तो ये है, ये तो लोअर कास्ट है, ये यही काम करेगा, ये तो अपर कास्ट है, यही काम करेगा. वेयर एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, इनकम, पॉलिटिकल राइट, कलर ऑफ स्किन, जेंडर एक्सेट्रा, देयर विल बी अराइज डिफरेंस ऑफ स्टेटस एंड सेंस ऑफ सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी. ठीक है, तो इसी से हमें हमारे मन में क्या है, डिफरेंस बैठ गए कास्ट कलर को लेके. कुछ बहुत ज्यादा सुपीरियर है यानी अच्छी कास्ट, अच्छे लोग हैं, और कुछ बहुत ज्यादा गंदे हैं. कास्ट सिस्टम हैज डन ग्रेट इनजस्टिस टू अ गुड सेगमेंट ऑफ आर पॉपुलेशन नोन एज शूद्र.
बहुत ही ज्यादा इनजस्टिस किया हुआ है, बहुत ही ज्यादा न्याय नहीं किया हुआ हमारे किसके शूद्रों के साथ। इट इज वर्स्ट फीचर ऑफ द हिंदू सोसाइटी, सबसे घटिया फीचर है हमारी हिंदू सोसाइटी का, बिल्कुल भी अच्छा फीचर नहीं है। ऋग्वेदा हैज अ रेफरेंस टू द फोर क्लासेस, ऋग्वेदा ने भी फोर क्लासेस का रेफरेंस दिया हुआ है, बट प्रोहिबिशन ऑफ ईटिंग फूड टच बाय शूद्र एंड अदर प्रोहिबिशन हैज नो अथॉरिटी इन होली राइट। क्या है कि ऋग्वेदा में क्या दिया हुआ है कि नीचे जाति के लोग जो हैं उनके उनके हाथों से कोई खाना नहीं खाएगा या उनको मंदिर में जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इन वैदिक टाइम इट वॉज द शूद्र हु कुक फूड, जबकि वैदिक टाइम में शूद्र ही खाना बनाते थे सारी कास्ट के लिए, बट लेटर ऑन कास्ट सिस्टम वॉज लीगलाइज एंड सैडल्ड द शूद्र वॉज सो मैनी डिसेबिलिटीज टू बी वर्चुअली डिलिबरेटेड टू द कंडीशन वेयर दे लॉस देयर ह्यूमन स्टेटस। और बाकी जब ये कंडीशन बढ़ती गई तो शूद्रों के साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हुआ, ठीक है, और उनकी उनको उनकी जो कास्ट है उसको बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट किया गया। अनटचेबिलिटी अ सोशल इविल, यानी सोशली सोशल का पूरा सोसाइटी का दुश्मन क्या है, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत। द इविल ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ ऑलवेज बीन अंडर कॉन्स्टेंट अटैक बाय रिफॉर्मर्स थ्रू आउट मॉडर्न इंडिया सोशल हिस्ट्री। ये सबसे बड़ा क्या है, हमारा कॉन्स्टेंट अटैक रहा है इंडियन सोसाइटी पे हिस्ट्री में। महात्मा गांधी जो हमारे फादर ऑफ द नेशन है, द ग्रेट चैम्पियन ऑफ द विक्टिम ऑफ दिस ईविल, बहुत ही ज़्यादा एक विक्टिम रहे हैं, यानी उनके ऊपर बीती है ये। ही कॉल्ड देम हरिजन्स, और उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया उसको, हरिजन यानी भगवान के लोग, हरि के जन हरिजन। इट अपीयर डिफरेंट टू अपरूट अनटचेबिलिटी, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ताकि ये अनटचेबिलिटी जो है इनको ख़त्म कर दिया जाए फ्रॉम कास्ट सिस्टम अनलेस द कास्ट इट सेल्फ अंडरगोज अ चेंज। ये तब तक नहीं हटेगी जब तक कास्ट ही चेंज हो जाए, तो इसलिए उन्होंने जिसको अछूत बोलते थे उसको हरिजन्स का नाम दे दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर डिस्क्राइब कास्ट सिस्टम एज असेंडिंग स्केल ऑफ रिवर्सेंस एंड डिक्रीज स्केल ऑफ कॉन्टेम्प्ट। अम्बेडकर नो एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिमसेल्फ हैड गॉन थ्रू सच टाइप ऑफ कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन अ नंबर ऑफ टाइम। ही वॉज ग्रेट जूरिस्ट स्टेटमेंट सोशल रिफॉर्मर एंड ग्रेट लीडर ऑफ हरिजन। ये खुद भी यानी ये दोनों ही एक विक्टिम रहे कास्ट सिस्टम के डिस्क्रिमिनेशन से गुजरे हैं, और इन दोनों ने ही क्या बोला, कास्ट सिस्टम बहुत खराब है, जो मतलब इंडिया में सबसे खराब ही ये चीज़ है। स्ट्राइविंग ऑफ इक्वालिटी, अब इक्वालिटी के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं, यानी कि सबको इक्वल राइट्स मिले। येट देयर इज अ यूनिटी एंड हारमोनी बिहाइंड द कलरफुल वेराइटी ऑफ इंडियन लाइफ। एज जवाहरलाल नेहरू इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज रिटन, सम काइंड ऑफ ड्रीम्स ऑफ यूनिटी हैज ऑक्यूपाइड द माइंड ऑफ इंडिया सिंस द डोन ऑफ सिविलाइजेशन। इट हैज समथिंग डीपर एंड विद इन द फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीव एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन इनकरेज्ड। क्या है कि हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं उन्होंने भी अपने बुक में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये लिखा था कि यूनिटी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा हमारे डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ लाइन्स जो हैं उन्होंने कस्टम्स के बारे में और हमारे इंडिया के बारे में अपनी बुक में यहाँ से डाली थी। ठीक है बेटे, अब ये जो आपका सेकेंड वीडियो है यहीं पर फिनिश होता है, इसके आगे का चैप्टर जो है ये हम थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे।